शारदीय नवरात्रि के अष्टमी के दिन हुआ माँ दुर्गा का भव्य श्रृंगार। दिलौहा जानकीगंज में 1001 दीपों को प्रज्वलित कर भक्तों ने की विशेष पूजा अर्चना। नवरात्रि का पावन समय चल रहा है, जहां सभी भक्त माँ दुर्गा के प्रतिमा की बड़ी धूमधाम के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें, 3 अक्टूबर मेजा क्षेत्र के दिलौहा जानकीगंज में दुर्गा अष्टमी के दिन युवा भक्तों के द्वारा दुर्गा प्रतिमा की बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से श्रृंगार किया गया, जिसमें नव युवक कमेटी का संपूर्ण योगदान रहा। पंडाल में लगी लेजर लाइट सभी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। वहीं मां के दर्शन व पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। आगे देखिए मिथिलेश मिश्रा शास्त्री ने अष्टमी को विशेष क्यों बताया। सत्यन पटेल, आप देख रहे हैं मेजा से प्रथा प्रतिज्ञा। आज नवरात्रि का अष्टमी है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर भव्य यहाँ पर माता जी का श्रृंगार हुआ है और यहाँ पर बहुत काफ़ी सैकड़ों में यहाँ अभी भक्त आरती की आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी दीप जल रहे हैं, जो क्या कहते हैं 1001 दीप का यहाँ पर प्रज्वलन हुआ है और सभी कमेटी के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमारे बीच ये यहाँ के जो पुरोहित, जो पंडित जी आए हैं, जिन्होंने आज 8वां दिन हो गया ये यहाँ पर पूजा अर्चना करा रहे हैं, तो हम पंडित जी से आज मिलेंगे और बात करेंगे जो ये अष्टमी का जो ये पर्व है जिसे लेकर इसका क्या महत्व है और इस दिन जो कि हर जगह पंडाल में बहुत भव्य तरीके से पूजा अर्चना कराई जाती है। पंडित जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो नवरात्रि ये होता है अष्टमी के दिन क्यों इतने भव्य तरीके से माता जी का पूजा अर्चना होता है? बस हाँ, अष्टमी के दिन ये महागौरी का दिन होता है। महागौरी इतनी भव्य और इतनी भक्त थी कि उन्होंने शिव जी को पाने के लिए ये व्रत कुंवारी कन्याएं और जो महिलाएं हैं शादीशुदा सुहागने जो हैं ये अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। और इस दिन इस व्रत को गौरी जी ने शंकर जी को पाने के लिए बिल्व पत्र को खा के तपस्या किया था। और माँ जानकी जी जनकपुर में जब राम भगवान गए थे फुलवारी घूमने, उस समय उन्होंने गौरी जी ने गौरी की पूजा किया था, जिसके कारण उन्हें भगवान प्रभु राम पति के रूप में मिले। बोलो दुर्गा मैया की जय, गौरी मैया की जय। आपको एक चीज और अवगत कराएंगे, ये हमारे दो पुत्र हैं जी, ये अंश महाराज जी, ये यश महाराज। तो हम कुछ इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आप ये अष्टमी के इस पावन पर्व पर जो क्या कहते हैं विशेष पूजा अर्चना की जाती है, इसका आप कुछ मंत्र उच्चारण करके हमें बताइए और दर्शकों को भी बताइए हमारे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए आप। यश मिश्रा। यश मिश्रा, तो यश जी आप कुछ मंत्र उच्चारण आज के दिन करेंगे अष्टमी के दिन? जी हाँ जी, आप कुछ कहिए। ओम श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्याभः रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमशनव्यात्तम इषडन्निखाडमुम्म इषाड सर्वलोकम्म इषाड। तो अब हम इनसे जानना चाहेंगे जो इन्होंने संस्कृत में जो मंत्रोच्चारण किया है इसका क्या अर्थ है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर इसका अर्थ जानने को उनके अंदर एक दिलचस्पी इच्छुक हैं, तो आप बताइए। ये देवी का ध्यान मंत्र है। अच्छा, ध्यान मंत्र है। आपका नाम क्या है, सबसे पहले आप बताइए। अंश मिश्रा। अंश मिश्रा, तो ये देवी का ध्यान मंत्र होता है, इसको करने से क्या लाभ होता है लोगों को? ध्यान मंत्र इसको आह्वान करते हैं, इसका विशेष आह्वान जो पंडित जी है जो मंत्र इन्होंने पढ़ा है इसको लेकर क्या लोगों को क्या फायदा है? लोगों को ये फायदा होता है, ये लक्ष्मी जी की और गौरी जी की विशेष संयुक्त रूपेण से प्रार्थना है, स्तुति है, इसको करने से विशेष लाभ होता है। धन संबंधित, पति संबंधित, माने नाना प्रकार की जितनी सुख समृद्धि संबंधित है सारी चीज इस मंत्र के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, एक बार आप भी अपना परिचय दे दीजिए। मैं पंडित शिवकेश मिश्रा शास्त्री हूँ और मेरा घर यह सांसों के पास ताड़ी ग्राम सभा है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। ये हमारे दोनों पुत्र,
एक वेद भवन में पढ़ते हैं अलोपिन के पास है, एक केशर भवन में पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप देख रहे थे पुरोहित पंडित जी, जिन्होंने बड़े अच्छे से ये इस अष्टमी का भव्य क्या कहते हैं हमें उसका पूरा अर्थ बताया। और हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ मंडली के जो ये दुर्गा पूजा समारोह जो हो रहा है, इसी के माध्यम से यहाँ आज बड़े उत्साहित हैं लोग। और क्या कहते हैं इसके जो मुख्य जो हैं कमेटी के, हम इनसे भी बात करेंगे। विवेक केसरी जी हैं। विवेक केसरी, आप कितने सालों से ये दुर्गा पूजा करा रहे हैं? भैया ये हमारे गांव में कम से कम 21 साल हुआ है। 21 साल दुर्गा पूजा हो रहा है। जो हमारे पूजनीय पिता माता जी हैं, जी जी, भाई बंधु हैं गाँव लोग के, वो लोग करते थे। जब हम लोग बालिक हुए उसके बाद हम लोग पर सौंपा गया। जैसे जिस प्रकार दुर्गा पूजा हर साल भव्य मनाया जाता है, हम माता की कृपा करेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे कि इससे साल इससे भव्य दुर्गा पूजा मनाया जाए। हमारे इससे साल इससे भव्य दुर्गा का नाम बता दीजिए। आनंद केसरी महाराज। ये देखिए आनंद केसरी जी थे, काफ़ी उत्साहित हैं। और इनका कहना है कि जिस तरह से ये काफ़ी दिनों से इनके यहाँ पुरोहित से चलता आया है कि यहाँ दुर्गा पंडाल लगता आया है, और इनका कहना है कि माता रानी हमारे ऊपर कृपा बनाए रहे, उससे भव्य तरीके से अगले साल हम फिर से दुर्गा पूजा का इसी तरह से यहाँ पर पंडाल लगाओ, माता जी का आरती आराधना करें। आप देख रहे हैं मेजा से सभी।